उन लोग उधर चले गए। सूरज को चिराग दिखाएंगे। चलिए फिर मैं हाजिर होता हूँ। परिया जी, मैं तो बचपन से ही अपने पिताजी के पास से मुझे मौका मिला के जी के जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे उनकी सारी कैरी करके बजाता था। ही वाज ऑलवेज इन्वॉल्व इन स्पीकिंग केसेस, स्पीकिंग के वो स्टार्टिंग एंड नॉट ओनली इन इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू अकंपनी किरण जी ऑन इंटरनेशनल टूर्स एज वेल लाइक इन नॉर्वे एंड जर्मनी एंड ऑल पास। तो मैं ये कहूँगा कि किरण जी ने न सिर्फ भारत में इसको बनाया बल्कि पूरे विश्व में इसका एक ऐसा काम किया है कि वहाँ के बच्चों को भी हमारी सारंगी और तबला और हारमोनियम और फ्लूट के बारे में वो बच्चे भी जानते हैं। तो उसका श्रेय हमारे माननीय किरण जी को जाता है। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से इस चीज़ के लिए तो सिर्फ भारत के बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के बच्चे आज सारंगी और तबला के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। मेरी दुआ है कि इस तरह ये दीप आगे चलता रहे और कार्रवाई जारी रहे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आई लाइक टू इनवाइट पंडित अर्जुन कुमार अंत यात्रा जो है। देखिए डिफिकल्ट हर किसी भी अगर चीज़ में आपने अच्छा करना हो तो डिफ़िकल्टी तो होगी, और इस यात्रा में जो हमने की तो बहुत डिफ़िकल्टीज आई। मैंने जैसे बताया जब मैं दबरा के पास था तो मुझे डायरिया हो गया, तो मैंने सोचा अब तो मैं जा नहीं पाऊँगा इस साइकिल पे। तो पर हमने कहा प्राण जाई पर वचन ना जाई। हमने वचन दिया था कि मैं पहुंचूंगा कन्याकुमारी, तो साइकिल पे बैठ गए नेक्स्ट डे और निकले। हम जब ये सतपुरा रेंज को क्रॉस कर रहे थे, मैं जब क्रॉस कर रहा था तो मेरे दाएं पांव इन्नी घुटना बिल्कुल बहुत बहुत ही दर्द करने लग गया। तो मैंने सोचा अब नहीं जा पाऊंगा, पर फिर से हमने दो गोली दो तीन खाई और लग गए। अलीगढ़ जब गए तो इतना पानी, बारिश का पानी, तो उसके थ्रू जाना पड़ा। तो दिक्कतें, दो बार एक्सीडेंट हो गई। हम चला रहे थे चिकबलापुर कर्नाटका में, इसने से स्कूटर ने पीछे से मार दिया। तो ऊपर नीचे तो था ही, पर हमारा देश इतना सुंदर है, इतनी गहरी गहरी चीज़ें हमने अंदर एक्सपीरियंस किया। भार तो है ही अपने परिवहन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु अंदर जो एक्सपीरियंस किया वो तो क्या बताऊँ। हाँ तो सर, एक मीडिया के थ्रू क्या मतलब यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहेंगे, देखिए कि किसी भी गहरी चीज़ को आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आजकल जो नया जनरेशन है वो जल्दी जल्दी मांग रहा है, सब कुछ कह रहे कि मुझे जल्दी ये मिल जाए, जल्दी वो मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो जो जल्दी मिलता है वो जल्दी जाता भी है। अगर आपने परिश्रम करके कुछ लिया है, कुछ हासिल किया है, तो फिर आपको वो आपके साथ रहेगा, ये बात। और थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विश्वास, ये दो चीज़ें अगर आ जाएँ तो हमारे जनरेशन कहाँ कहाँ पहुँच जाए। ओके सर, थैंक यू। और मेरा नाम कमाल साबरिया जी। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह के कार्यक्रम आज स्पीक मेके में रचाए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे किरण जी पूरे भारत में साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि कैसे हमारा भारत एक है, और शास्त्रीय संगीत जो है वो कैसे हमारे भारत को एक 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 खित्ते से दूसरे खित्ते की ओर जोड़ रहा है। तो और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है ना, सिर्फ आज भारत में बल्कि पूरे विश्व में जा रहा है और सब विश्व के बच्चों को ये प्रेरित कर रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है। पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी को बुलाइए। नमस्कार, आई एम पद्मश्री दर्शन है झवेरी, वन ऑफ दी फोर झवेरी सिस्टर्स।
specialized in classical Manipuri dancing under the able guidance of our revered guru Vipin Singh. For last 60 years I have been performing all over India and all over the world. I have been associated with Speakmeke for more than 30 years and have traveled different parts of India, and it has been wonderful experience giving lecture cum demonstrations of classical Manipuri dancing, explaining to the children the basic form and different elements of classical elements of Manipuri dancing, its history, its different divisions. And I have seen and experienced that they were watching our presentation with so much of interest, and after the performance at demonstrations they were asking very interesting questions, and I saw that many children, means of schools and colleges, they were thinking that classical dance is very difficult to understand and appreciate, but after seeing our program I found that they started taking interest in seeing more and more dance forms and music forms. So it has been a wonderful journey for me, and I appreciate and congratulate Speakmeke for doing this work of creating interest, appreciation and respect for our rich classical heritage of dance and music among young generation in schools and colleges. And I really feel that a child must develop in his life one particular art form, so that it will give him more and more spiritual joy as well as peace and happiness in his life. Thank you so much. Sir, मैं अरविंद कुमार आजाद। किरण जी से सर कितने समय से आप जुड़े हो? 35 साल हो गए। 35 साल से मैं स्पीकमेके की सेवा कर रहा हूँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैंने अमेरिका में, लंदन में और देशों में भी मैंने स्पीकमेके की सेवा की। और बच्चों से जब मेरा इंटरेक्शन होता है, जैसे मैंने आज कहा, तो मुझे कोई भी भाषा का बच्चा हो, जैसे तमिलनाडु में मैं गया तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं था, तो भी उन बच्चों ने मेरा प्रोग्राम पसंद किया। तो म्यूज़िक की जो भाषा है, म्यूज़िक का जो लैंग्वेज है, वो दिल का है। उसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्चर्स की ज़रूरत नहीं है, वो दिल से निकलता है और दिल में पहुँचता है। तो उस भाषा से हम बात करते हैं, सुरों की भाषा, लय की भाषा, ताल की भाषा, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है। जब स्पीकमेके ने मुझे जोड़ा तब मेरा इतना नाम नहीं था, और प्रेरणा करके सीरीज होती थी, तो प्रेरणा से मैं जुड़ा। अभी प्रेरणा स्पीकमेके का सबको मिल रहा है और मैं भी दे रहा हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना है कि किरण जी, डॉक्टर किरण सेठ, इनको 100 साल से ज़्यादा उम्र मिले और इनका स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि इन्होंने जो किया है भारत के कल्चर के लिए, मुझे नहीं लगता कि उनके पहले किसी ने किया है। यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज मैं खास आज बोलना चाहता हूँ कि वो यंग जनरेशन सक्सेस के पीछे भागते हैं, यू नो, सब्जेक्ट के पीछे भागते नहीं। आप लोग सब्जेक्ट को, जो भी विषय में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्ट हो, उसमें पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, इंजीनियरिंग हो, इवन हाथ का काम भी, अगर आप मोटर मैकेनिक भी है, तो वो सब्जेक्ट से प्यार करिए, सब में आप ऊपर जा सकते हैं।
आप सक्सेस के पीछे भागेंगे तो सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा। तो हम लोग के टाइम में हम लोग ये नहीं सोचते थे कि ग्रैमी अवार्ड के लिए मेरा नॉमिनेशन हो जाएगा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मुझे मिल जाएगा, ऐसा सोचते नहीं थे। हम सोचते थे कि ये जो बांसुरी का सब्जेक्ट हमने लिया, इसमें नया क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो शंख बांसुरी मैंने बनाया, फिल्मों में जब मैंने बजाया तो एक अलग स्टाइल, कोयल सी तेरी बोली में मेरा फ्लूट है तो ऐसा लगेगा आपको कोयल ही बोल रही है, वो स्टाइल जो कोयल सी तेरी बोली जो गाना। तो बहुत सारे हिट गाने में बजाया मैंने, और ख़ास करके आप लोग जो हार्डी बर्मन पंचम दा का जो सुनते हैं उसमें 1980 के बाद सब मेरा बजाया हुआ है, टिल द एंड कुछ ना कहो वगैरह। तो सब्जेक्ट में मैं सीखता था कि क्लासिकल के अलावा हम फिल्म में भी क्या कर सकते हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट को फिल्म में किधर जगह मिलनी चाहिए, वो उसका भी हमने प्रयास किया। तो सब्जेक्ट को आगे बढ़ाइए, ये मेरा मैसेज है। भारत के मशहूर गायक पंडित अजय मोहनकर जी कहना चाहेंगे स्पीक मैके के बारे में और किरण सेठ जी के बारे में। देखिए भाई, डॉक्टर किरण सेठ जो है ना, हमारे लिए लाइक ए गॉड वाह फ्रेंकली। और स्पेशली हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो बच्चों के लिए हम ये नहीं सोचते हम कितने बड़े कलाकार हैं, हमसे बच्चे क्या उम्मीद करते, हम तो उनसे गवाते भी हैं, गवाते हैं। तो सेठ साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई भैया नहीं, वो क्या सर? हाँ, तो स्पीक मैके का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और कभी भी कोई प्रोग्राम हो पहले स्पीक मैके जाते हैं, दूसरा प्रोग्राम छोड़ के। कि और बच्चों के लिए जो हमारे शास्त्रीय संगीत को उन्होंने पहुंचाया है वो बहुत ही एक बहुत उनका बहुत बड़ा किरण बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर किरण सिंह जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और आज भी हम उनके प्यार के खातिर पूना से यहाँ आए। देखिए पूना से आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन जो होता है साइकिल चलाना, इतना अपन साला एक यहाँ से आधा किलोमीटर नहीं चला सकते। सही बात है, आप 3 घंटे का सफर 4 घंटे का सफर तय करता है, ये सब ये प्यार है तो, और नहीं तो इसलिए क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेशक बेशक, धन्यवाद। कराने के तबले के प्रणेता देवता उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि स्पीक मैके जिससे हमारे गुरुजी भी जुड़े रहे, और बड़ी बड़ी विभूतियाँ पंडित राजन साजन मिश्र जी, पंडित बिरजू महाराज जी, ऐसे जो अपने देश के धरोहर हैं, उनके साथ स्पीक मैके के कई सारे हमने टूर किए, उनके साथ हमने न सिर्फ टूर किया बल्कि उनसे सीखा। स्पीक मैके के प्रति बहुत हम लोगों को एक सम्मान है, और ये हम कलाकारों के लिए तो एक मंदिर की तरह है, कि जो कलाकारों के लिए कला के लिए इतना सोचता है, एंड इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कैसा लगा खान साहब के यहाँ तक कि जितनी महफिलें हुई, बहुत सारे कॉलेजेस में स्कूल्स में, आई एम सो लकी टू बी associated with Speak Mike, and I wholeheartedly thank Dr. Kiran Seth ji for doing all these things. Thank you so much. Thank you sir. Yes, sir. Kiran ji ke sir bahut hi acha laga maine ye jo aaj ki shaam hai hamare liye bahut hi yaadgar shaam rahegi, kyunki Kiran Seth ji se mera taluq aur Speak Mike se mera taluq bahut hi purana hai, aur ये किरण सेठ जी जो काम कर रहे हैं स्पीक मेके के थ्रू, ऐसा काम है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक को बच्चों के अंदर उसकी ख्वाहिश को पैदा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। हमारे बच्चों को उस चीज़ का एहसास दिलाना कि हमारी धरोहर कितना बड़ा, हमारा एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, जो बच्चे जिससे नावाकिफ़ हैं उनसे वाकफियत कराना है बच्चों को, ये स्पीक मैके का काम। और किरण सिंह की जो जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था और जो अभी तक एक्टिव है इसमें, वो अल्लाह उनको और सलामत रखे, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया। मतलब ये जो काम हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े क्लासिकल संगीत के समारोह होते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं हुई
जो ये काम कर रहे हैं कि बच्चों में पढ़ाएं, बच्चों को ये सिखाएं। तो आज के ये फंक्शन बहुत ही बड़ा फंक्शन था। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, किरण सिंह जी से एक दफ़े मैंने पूछा कि सर ये आप 3 दिन का जो वर्कशॉप रखते हैं बच्चों को सब सिखाने का, तो ये तीन दिन में बच्चे क्या सीखेंगे? जब शुरू में मैं आया था मुझे पता नहीं था कि इसका क्या वो है, लेकिन शुरू में मैं आया तो मैं बोला 3 दिन। मैंने कहा साहब अगर बच्चों को सा पा और सा इतना भी अगर आ गया समझ में तो मेरा मकसद पूरा हो गया। पहले बोलेंगे सामने देखिए, बोला कैमरा सामने है। This is a wonderful occasion and wonderful event to celebrate the achievement life of Dr. Kiran Seth. As you know and we all know, Kiran Seth, who conceived the idea of Speak Mackay. That is a promotion and spread of music and Indian culture amongst youth. So this is a big task. And he has been very successful in this task. And this Speak Mackay has turned into a movement, a very strong, solid cultural movement with recognizing the roots of our music and culture to the ancient period. But at the same time, with the changing scenario, changing world, changing times, keeping pace with the modern times also. So this event is very important to mark this strength of our culture and our aim at promoting this culture among youth. Wonderful. I wish bright future for the movement and as well as to health, good health of Dr. Kiran Seth. Well, I'm Ganesh Kumar, the owner of the InSync television channel. We are the only channel in the entire world dedicated to promotion of Indian arts and culture. And Dr. Kiran Seth, who's kind of a pioneer in terms of wanting to promote the Indian values and culture and music amongst the youngsters. He is doing a human service, and when he visited my home a day before, I asked him, why at this age are you going to cycle the entire country? Because at this age, he should actually be relaxing. What he told me kind of bothered me so much. He said, somebody has to work on the last mile connectivity. You know, the children in small villages, children in small cities and towns who have never heard about music, I should ensure that good classical music reaches them. And in this journey, I think all of us are together with the artist community, the institutions community, the performing community. We are all together in this job of not only creating artists, but you need to create a good rasika base. When you perform, you need an audience. And that audience is today missing because the youngsters have moved away from our culture. And it is very important to bring them back because this rich tradition and legacy is something that you need to take it forward. And in that task, I think it is only Speak Mackay who is constantly working on the churning of the young minds to ensure that they will not forget our literature, they will not forget our music, they will not forget our culture. So this is a great journey that Dr. Kiran Seth has undertaken for himself. And I tabla nawaz hai hamari pandita Anuradha Pal ji, to aap is speak mein kafi purani judi hain, aap kuch bolna chahenge aap inka record? Yes ma'am. कैसा लगा मैडम आपको यहाँ पे आके? ये बहुत सुंदर एक प्रोग्राम जो डॉक्टर किरण सेठ का जो एक बहुत अमूल्य योगदान रहा है वो हमें सब उनको ये कहने का मौका मिला, और स्पीक मैके के जो अनगिनत वॉलंटियर्स हैं, ये जो एक हिडन फोर्स है जो स्टूडेंट्स में है, वॉलंटियर्स में है, और ये एक साइलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश विदेश में इतना बढ़िया काम कर रही है कि संगीत और शास्त्रीय संगीत डांस देश विदेश में बढ़ाना और छोटी छोटी जगह में ले जाना, ये बहुत बड़ा काम किया है स्पीक मैके ने।
और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत काम किया है स्पीक मैकर के लिए, बहुत परफॉर्मेंसेस दिए हैं. इनफैक्ट फ्रॉम यू नो मैंने आई थिंक सारे आर्टिस्टों के सामने मैंने उनके साथ में बजाया है, चाहे वो राजन साजन जी हैं या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या इनके साथ में अपने शाहिद परवेज जी के साथ में, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बजाया है, शुभेंद्र राव, ऐसे तो हमेशा एक बहुत मज़ा आया है स्पीक मैकिंग के साथ में बजाना और के लिए परफॉर्म करना और स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना, ये मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि एक कांसेन लोगों को बनाना, एक अच्छी तरह से उनको एक सबक देना कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, हमारी धरोहर, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज इतना डीप है कि इस चीज़ को ले जाने का देश विदेश में जब हम परफॉर्म करते हैं स्पीक मैकिंग के लिए, और छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े जो टेक्निकल कॉलेजेस में हैं वहाँ पे व्हेन आई हैव परफॉर्म, इट्स बीन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. एंड मैं बस यही चाहूँगी कि स्पीक मैकिंग हमेशा और भी बढ़ते रहें और उसके जो सपोर्टर्स भी बढ़ें और जो ये फोर्स है इट कीप्स ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाई एंड वी एज आर्टिस्ट सपोर्ट स्पीक मैकिंग कम्प्लीटली. सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस. थैंक यू. नमस्कार. मैम किरण सर के बारे में, डॉक्टर सेठ इज एन इंस्पिरेशन टू अस बिकॉज ही हैज टॉट अस दैट यू नॉट ओनली वर्क बट यू वॉलंटियर एंड दैट ऑल्सो इज वर्क. एंड दिस वॉलंटियरिंग फॉर अस इज अ जर्नी इनवर्ड्स, जस्ट द वे हिज साइकिल यात्रा इज सिम्बॉलिक, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द इनटेंजिबल, something that you cannot see for yourself, that you cannot verify empirically, but you understand that it is because you realize it intangible. क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इवेंट के बारे में? आज निटी में जो डॉक्टर सेठ का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा, जो आर्टिस्ट और प्रेस मीट रही, इसे निटी के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया था, इसे बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है. निटी जो कि अब 21st IIM होने जा रहा है, निटी के यहाँ स्पीक मैकर चैप्टर बहुत एक्टिव है, हमें अद्भुत कलाकारों से मिलने का मौका मिला है, हमें ये एक्सपीरियंस, हमारे लिए ये अनुभव बहुत ही मूल्यवान रहा है. थैंक यू निति, सोन टू बी IIM. थैंक यू. आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सो हमने आज डॉक्टर सेन का इवेंट कराया जिसमें हमने आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सो आज निटी में डॉक्टर सेठ के साथ हमारी इवेंट साइकिल यात्रा और प्रेस मीट हुआ, जिसमें हमने डॉक्टर सेठ के जर्नी के बारे में देखा और उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया और उन्होंने निटी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस की तरफ. जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न की तरफ जा रहा है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया कि कैसे यूथ को अपनी कल्चर और सभ्यता को साथ में रखकर सफलता के कदमों को चुनना चाहिए. इसमें हमारी टीम ने, निटी स्टूडेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट की वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया. इस इवेंट में बहुत सारे ऐसे नामी और पद्मभूषण, पद्मश्री अवार्डी आर्टिस्ट प्रेजेंट हुए थे, जैसे कि पंडित अजय कोहेंकर जी थे जिन्होंने अपने जीवन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई. और आप, वी वॉन्ट टू शेयर अ गुड न्यूज़ विथ यू दैट निटी इज गोइंग टू बिकम 21st IIM सून, इनका अपकमिंग मानसून. थैंक यू सो मच.